महागठबंधन के आह्वान पर तीनों कृषि विरोधी कला कानून के खिलाफ मानव श्रृंखला में सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। जयनगर में मानव श्रृंखला शहीद चौक अंबेडकर स्मारक से मुख्य बाजार तक लगाया गया और महात्मा गांधी के तस्वीर पर माल्यार्पण कर सभा किया गया। आयोजित कड़ाके की ठंड में भी मानव श्रृंखला में शामिल होकर सफल बनाने के लिए महागठबंधन के नेता धन्यवाद किसान विरोधी तीनों काला कानून वापस लेने, प्रस्तावित बिजली बिल 2020 वापस लेने, m.s.p को कानूनी दर्जा देने, बिहार में APMC एक्ट पुनर्बहाल करने, दिल्ली में शांतिपूर्ण किसान आंदोलनकारियों पर किए जा रहे दमन पर रोक लगाने की मांग को लेकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस 30 जनवरी को महागठबंधन भाकपा माले, भाकपा, माकपा, राजद, कांग्रेस के द्वारा विशाल मानव श्रृंखला बनाने का आह्वान पर मानव श्रृंखला शहीद चौक जयनगर बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर के स्मारक से मुख्य बाजार की ओर 12:30 से 1:00 तक बनाया गया, जिसमें कड़ाके ठंड में भी सैकड़ों लोगों ने भाग लिया। मानव श्रृंखला समाप्ति के बाबा साहेब अम्बेडकर जी स्मारक पर माल्यार्पण कर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के तस्वीर पर माल्यार्पण कर किसान नेता रामजी यादव के अध्यक्षता सभा आयोजित किया गया। सभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन के नेता ने कहा कि 26 जनवरी को किसानों का कार्यक्रम देशव्यापी स्तर का था। इन शांतिपूर्ण कार्यक्रमों में किसानों की बड़ी भागीदारी हुई। बिहार में भी कई स्थानों पर ट्रैक्टर मार्च सहित असरदार प्रतिवाद हुए। दिल्ली में हुई छिटपुट घटना को सरकार बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है और उसका इस्तेमाल आंदोलन को दबाने के लिए कर रही है। यह बेहद निंदनीय है। इसकी सही से जांच होनी चाहिए कि दिल्ली में किसानों के शांतिपूर्ण मार्च के दौरान उपद्रव करने वाले कौन लोग थे। मोदी योगी राज में आंदोलनों के दमन का एक पैटर्न विकसित हुआ है। पहले आंदोलन को बदनाम करो, फिर दुष्प्रचार चलाओ, झूठे मुकदमे करो और फिर आंदोलनकारियों को जेल में डाल दो। रोहित वेमुल्ला की घटना से लेकर JU प्रकरण, पिछले साल नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ ऐतिहासिक आंदोलन, जामिया शाहीनबाग, भीमा कोरेगांव आदि तमाम मामलों में हमने इसी पैटर्न को देखा है। अब इसी पैटर्न पर किसान आंदोलनों को दबाने की योजना बनाई जा रही है, लेकिन इस बार किसान पीछे नहीं हटने वाले हैं। दमन के बावजूद फिर से आंदोलनों में किसानों की भागीदारी आरंभ हो गई है। यूपी के किसान बड़ी संख्या में शामिल हो रहे हैं। यदि इस किसान आंदोलन को जीत की मंजिल तक पहुंचाना है तो यूपी व बिहार को पंजाब हरियाणा वाली भूमिका स्थानीय स्तर पर निभाने की बात कही। मानव श्रृंखला का नेतृत्व व सभा को संबोधित किए भाकपा माले प्रखंड सचिव भूषण सिंह, मुस्तफा कसिंदर यादव, चलितर पासवान, तस्लीम, विजय राय, आदिल, सबीर, रशीद, फूलो देवी, भाकपा अचल मंत्री रामचंद्र पासवान, श्रवण साह, सूरज ठाकुर, राम शीश राम, वार्ड पार्षद शिवजी पासवान, गन और पासवान, माकपा अधिवक्ता चंदेश्वर प्रसाद, कुमार राणा प्रताप सिंह, डाइफी के बिहार राज्य महासचिव शशि भूषण प्रसाद, राजद के प्रदेश महासचिव प्रदीप कुमार यादव, पूर्व प्रखंड प्रमुख सूर्यनाथ यादव, युवा राजद शंभु प्रसाद यादव, रामबाबू यादव, अमित कुमार यादव, देवधाम मध्यम के मुखिया असलम अंसारी, जयनारायण यादव, वार्ड पार्षद विनोद शर्मा, हाशमी राजा, विजय यादव, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष रामचंद्र साह, सुरेंद्र महतो, सुजीत यादव व सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार यादव, जगदम्बा देवी सहित सैकड़ों लोगों ने संबोधित किए और शामिल हुए। अंत में महागठबंधन की ओर से मानव श्रृंखला सफलता के लिए लोगों को धन्यवाद दिया गया। विरोधी सरकार है, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, ये किसान विरोधी है, छात्र विरोधी है, युवा विरोधी है, ये अडानी और अंबानी का गुलाम है। ये सरकार तानाशाही जो कर रहा है किसान आंदोलन को बदनाम करने के लिए, BJP का कार्यकर्ता दीप सिंधु को अभी तक अरेस्ट क्यों नहीं किया, इसका जवाब दे सरकार। ये तीनों काला कानून वापस लेना होगा। पर्चे अपना दीजिए। सुजीत कुमार, प्रदेश सचिव, अखिल भारतीय पिछड़ा वर्ग कांग्रेस कमेटी द्वारा पूरे बिहार में आज 12:30 से 1:00 मानव श्रृंखला आयोजित करने का निर्णय था। उसी के मुताबिक आज जयनगर में मानव श्रृंखला का आयोजन है। इस मानव श्रृंखला के माध्यम से जो देश के अंदर में लगभग 3 महीनों से इस कड़ाके की ठंड में अपनी मांग को लेकर के दिल्ली के सड़कों पर है, उन्हीं किसान के समर्थन में आज पूरे बिहार में महागठबंधन के आह्वान पर आज मानव श्रृंखला
12:30 से लेकर 1 बजे तक हम लोग मानव श्रृंखला बना करके सरकार से मांग करते हैं जो ये जो किसान का काला कानून थोपा गया है उसको वापस ले। आज का मानव श्रृंखला क्या सफल रहा है? आज का मानव श्रृंखला पूरी तरह से सफल रहा है। लगभग जयनगर में 1000 से ऊपर लोग हैं। अपना परिचय दे। रामचंद्र पासवान, अंचल मंत्री सीपीआई। किसानों के समर्थन में दिल्ली में जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उस पर जो अत्याचार हो रहा है ये संघी भाजपाई गुंडों के द्वारा, सरकार के गुंडों के द्वारा, उसके समर्थन में आज हम लोगों ने मानव श्रृंखला लगाने का काम किया है। अगर सरकार किसानों का बात नहीं मानेगा, ये 3 काला कानून वापस नहीं लेगा, तो हम लोग सड़क से संसद तक उग्र आंदोलन करने का काम करेंगे। अमित यादव, प्रखंड अध्यक्ष के समर्थन में भाई किसान का जो मांग है उसको पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। प्रदीप कुमार प्रभाकर, राजद नेता। हमला किया जा रहा है और जो कृषि 3 विरोधी कृषि कानून बना हुआ है उनके वापसी की मांग है। किसान यह कानून का विरोध कर रहे हैं, फिर भी केंद्र सरकार के द्वारा जबरदस्ती थोपा जा रहा है, इसीलिए यह कानून के खिलाफ यह 3 कृषि कानून जो है काला कानून है उसको वापसी लिया जाए। किसान का जो समर्थन मूल्य है।